हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू क्लास ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स वी वर डूइंग द चैप्टर ऑफ बैंकिंग वी हैव लर्नड अबाउट द वेरियस फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन द प्रीवियस वीडियोस एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स देखिए आपने ये तो सुना होगा ना कि पैसे से ही पैसा बनता है तो बैंक यही करता है बैंक पैसे से पैसा बनाता है कैसे पैसे से पैसा बनाता है इस इस चैप्टर में या इस वीडियो में वी विल लर्न कि कैसे बैंक पैसे को क्रिएट करता है या क्रेडिट को क्रिएट करता है सो थ्रू दिस प्रोसेस बैंक्स आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट विच इज इन फार एक्सेस ऑफ द इनिशियल डिपोजिट देखिए इस प्रोसेस के थ्रू जो बैंक्स होते हैं ना वो क्रेडिट क्रिएट करते हैं या मनी क्रिएट करते हैं जो कि इनिशियल डिपोजिट से बहुत ज़्यादा होते हैं मतलब जितने आपने इनिशियल डिपोजिट्स किए होंगे जितने स्टार्टिंग में डिपॉजिट्स आए हैं ठीक है आपको मैंने बताया था प्राइमरी फंक्शंस में बैंक्स के प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट एंड एडवांसिंग दी लोन्स राइट तो इसमें क्या है कि बैंक के पास जो भी डिपोजिट्स आए होते हैं ठीक है वो उससे क्रेडिट क्रिएट करता है लोन वगैरह देता है जो भी करता है ठीक है मनी क्रिएट करता है ठीक है जो कि आपकी इनिशियल डिपोजिट से बहुत ज्यादा है ठीक है ये आपको अभी क्लियर होगा देखिए नाउ व्हाट आर दी एग्जाम्शंस ऑफ यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्शंस दिया है सबसे पहली एग्जाम्शन क्या ली है एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज़ वन यूनिट एंड इज टर्म डेज बैंक यानी कि जितना भी कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है ना उस पूरे के पूरे कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम को हम एक यूनिट मानकर चलेंगे राइट कि पूरे कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम को हमने वन यूनिट एक यूनिट मानकर चला ठीक है एंड उसको हम क्या बोलेंगे बैंक क्या बोलेंगे उसे हम बैंक बोलेंगे यानी कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि जितना भी कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है उसको हमने एक यूनिट मानकर चला और हम उसको हमने क्या टर्म दिया बैंक का टर्म दिया ठीक है सेकेंड वन इज ऑल द रिसीट्स एंड पेमेंट्स आर रूटेड थ्रू बैंक यानी कि आपकी आ, इकोनॉमी में जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं चाहे वो आपको रिसीट्स हो रहा है चाहे पेमेंट हो रहा है ठीक है वो सब बैंक के थ्रू हो रहा है यानी कि ओल्ड ट्रांजेक्शन आर बैंक यानी जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं इधर इट इज रिसीट्स और इट इज पेमेंट वो दे ओल आर रूटेड थ्रू दी बैंक कहाँ से वो रूट थ्रू हो रहा है बैंक से रूट थ्रू हो रहा है दो चीजें क्लियर हुई पहला मनी क्रिएशन का जो प्रोसेस है इसके थ्रू ये बताया गया है कि बैंक किस तरीके से पैसे से पैसा बनाता है यानी उसके पास जो हमने इनिशियल डिपॉजिट्स रखे हैं वो उससे किस तरह से क्रेडिट क्रिएट करता है ठीक है एग्जामेशंस हमने दो ली एक तो जितने भी कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है यानी जितने भी आपके कमर्शियल बैंक्स हैं उन सबको आपने एक यूनिट माना और बैंक्स का ही टर्म दिया एंड सेकंड जितने भी ट्रांजैक्शन हो रही है जितने भी चाहे रिसीट्स हो रही है चाहे पेमेंट्स हो रही है वो सब बैंक के थ्रू ही हो रहा है ठीक है अब ये इसके प्रोसेस का टेबल है आप लोग देख रहे हैं ये इसके प्रोसेस का टेबल है जिसमें हमने इन विच इन द फर्स्ट कॉलम वी हैव टेकन द राउंड्स Then, in the second column, we have taken the deposits, then loans, and then cash reserves. Right? So, before that, you should know about the term LRR because we have taken in.

ठीक है बैंक के पास जितना भी टोटल डिपोजिट आया उस टोटल डिपोजिट्स में से बैंक को लीगली कंपल्सरी है कि वो उस टोटल डिपोजिट में से कुछ फ्रैक्शन या कुछ रेशियो डिपोजिट्स का एज अ रिजर्व रखे जिसे हम लीगल रिक, रिजर्व रिक्वायरमेंट भी, भी बोल सकते हैं या फिर लीगल रिजर्व रेशियो भी बोल सकते हैं ठीक है जिसे हमने एल आर आर का टर्म दिया क्लियर हुआ यानी कि बैंक के पास जितने भी डिपॉजिट्स आए उन डिपॉजिट्स में से बैंक को जरूरी होता है लीगली कंपल्सरी होता है कि उन डिपॉजिट्स में से कुछ हिस्सा कुछ फ्रैक्शन बैंक जो है एज अ रिजर्व रखे अपने पास एंड दैट इज नॉन एज द लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट और द लीगल रिजर्व रेशियो ठीक है मींस एल आर आर एंड हु विल स्पेसिफाई दिस एल आर आर हु विल स्पेसिफाई लीगल रिजर्व रेशियो और रिक्वायरमेंट दिस रेशियो इज स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल बैंक आरबीआई किसने स्पेसिफाई किया ये रेशियो सेंट्रल बैंक आरबीआई ने नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ द मनी क्रिएशन सी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टेकन द अजम्पशन दैट एल आर आर इज ट्वेंटी परसेंट यानी बैंक के पास जितनी भी डिपॉजिट्स होंगे उन डिपॉजिट्स का ट्वेंटी परसेंट जो है बैंक अपने पास रिजर्व में रखेगा और बाकी के बच्चे का क्या करेगा आ, बैंक बाकी के बचे हुए का वो पूरा का पूरा लोन दे देगा ठीक है तो देखो फर्स्ट राउंड में हमने रिज्यूम किया कि बैंक को डिपॉजिट करवाया उज रुपीज सिर्फ एग्जाम्शन ले रहे हैं वी आर टेकिंग्शन कि इन द फर्स्ट राउंडिट्सियल थाउजेंड ठीक है कर, जो डिपोजिटेंड है, है अब देखिये वन थाउजेंड में से हमने लिया की ट्वेंटी परसेंट उसका एल आर आर है वो एज ए रिजर्व रख रहा है टू तो तो हंड्रेड 20 100, 200 तो उसका रिजर्व हो गया मैंने कहा था कि जितना भी टोटल डिपोजिट होगा उसका पर्टिकुलर फ्रैक्शन तो उसका रिजर्व में चला गया बाकी का बचा उसने लोन दे दिया ठीक है तो थाउजेंड में से टू हंड्रेड का तो कैश रिजर्व हो गया कितना बचा थाउजेंड माइनस टू माइनस टू हंड्रेड एट हंड्रेड तो एट हंड्रेड का उसने क्या दे दिया लोन दे दिया अब देखो जितने का उसने लोन दिया है ठीक है अब जिस बंदे ने भी वो लोन लिया होगा वो उस लोन को कहीं ना कहीं खर्च तो करेगा या नहीं करेगा ना यानी उस अमाउंट को कहीं ना कहीं स्पेंड करेगा ठीक है तो अब इस अमाउंट को क्योंकि हमने सेकेंड एग्जामेशन ली थी कि जितने भी ट्रांजेक्शन है वो सब बैंक यानी जितने भी ट्रांजेक्शन है बैंक के थ्रू अब जब उसने कोई भी यानी कि इवन अगर आप एक टॉफी चॉकलेट भी ले रहे हो ना तो वो भी बैंक के थ्रू हो रहा है यहाँ पे हम ये मानकर चल रहे हैं तो अगर उस बंदे ने यहाँ पर एट का कुछ भी खर्चा किया ठीक है तो वो खर्चा बैंक के थ्रू होके गया यानी 800 वापस से बैंक के अकाउंट में आ, बैंक में चले गए डिपॉजिट 800 का अब इस 800 का अगेन 20% परसेंट रिजर्व रखा 160 कितना बच गया 800 160 640 640 का बैंक ने फिर लोन दे दिया ठीक है फिर 640 का किसी बंदे ने उसका खर्चा किया और वो वापस से क्या बन गया बैंक में चला गया 640 फिर एक 640 का ट्वेंटी परसेंट वन ट्वेंटी एट कैश रिजर्व हो गया और बाकी का बचा हुआ क्या हो गया लोन हो गया अब इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा ठीक अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर ये process end कब तो ये कब होगा होगा तो तब हो जब आपका जो इनिशियल डिपॉजिट्स था और जो आपका लीगल रिजर्व लीगल रिजर्व है यानी जो कैश रिजर्व हैं जब ये दोनों इक्वल आ जाएंगे थाउजेंड और थाउजेंड यहाँ पर ये प्रोसेस एंड हो जाएगा अब कैसे होगा कब होगा यहाँ हम वैसे एग्जाम में ना हमें एग्जाम में ये एक फॉर्मूला लगाना है ताकि हमें एग्जैक्ट अमाउंट यहाँ ही पता हो चल सके कि ये कब एंड होगा ये समझ आ रहा है पहले इनिशियली डिपॉजिट कितने की करे थाउजेंड की करे ठीक है थाउजेंड में से फिर टू हंड्रेड का रिजर्व रखा एट हंड्रेड का लोन दे दिया जिस किसी ने भी लोन लिया होगा वो उसको कहीं ना कहीं खर्च करेगा यानी वापस से ये बैंक में चला गया फिर उसने वन सिक्सटी का रिजर्व रखा और सिक्स फोर्टी का लोन दे दिया अगेन ये साइकिल यहाँ पे चलती रहेगी ठीक है अब आ जाओ जी कि कैसे हम पता लगाएंगे कहाँ पर एंड होगी देखो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू वन अपॉन एल मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू वन बाय एल ठीक है यानी एल कितना लिया था हमने ट्वेंटी परसेंट तो वन अपॉन ट्वेंटी इन टू हंड्रेड कितना है फाइव टाइम्स फाइव टाइम्स का मतलब क्या है जितना भी आपका टोटल डिपोजिट था उसका फाइव टाइम्स कर दो ठीक है यानी टोटल डिपोजिट कितना था थाउजेंड थाउजेंड इंटू कितना हो गया फाइव तो यहाँ पर आपने क्या देखा यहाँ पर हमने ये देखा कि किस तरीके से जो बैंक है देखिए फाइव थाउजेंड गया ना तो हमने क्या देखा कि बैंक के पास स्टार्टिंग में तो हजार रुपए गए थे डिपॉजिट्स ठीक है उसने उस थाउजेंड को कैसे फाइव थाउजेंड में बना दिया ठीक है तो उसने कन्वर्ट कर लिया ना देखो कितने के कि, सिर्फ थाउजेंड से उसने फाइव थाउजेंड रुपीज बना दिए ठीक है अब उस फाइव थाउजेंड में से हमें पता कि हमें क्या करना है इस फाइव थाउजेंड का ट्वेंटी परसेंट तो कैश रिजर्व हो गया थाउजेंड रुपीज तो बाकी कितना बच गया फोर थाउजेंड ये क्या हो गया लोन हो गया ठीक है आगे इसी को एक्सप्लेन कर रखा है कि टोटल डिपोजिट बिकम्स फाइव टाइम्स ऑफ इनिशियल डिपोजिट्स ठीक है यानी टोटल फाइव डिपोजिट्सा हो गया इनिशियल डिपोजिट्स के इनिशियल आपने थाउजेंड लिए थे थाउजेंड इंटू फाइव टोटल डिपोजिट कितना बन गया फाइव थाउजेंड अब इस फाइव थाउजेंड में इसका ट्वेंटी परसेंट एल आर आर कितना गया वन थाउजेंड और लोन्स में आपने कितना दे दिया फाइव थाउजेंड माइनस थाउजेंड फोर थाउजेंड फाइव टाइम्स इज द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर फाइव टाइम्स क्या है मनी मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू है एंड डिपोजिट क्रिएशन कम्स टू एंड वेन टोटल रिजर्व बिकम इक्वल टू इनिशियल डिपोजिट कब एंड हुआ देखो जब आपका जो टोटल डिपॉजिट्स हैं जो इनिशियल डिपॉजिट हैं वन थाउजेंड के और जो कैश रिजर्व है वो दोनों इक्वल आ गए वहां पर ये प्रोसेस एंड होगा आई थिंक ये आपको क्लियर है मनी क्रिएशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सो प्लीज गो थ्रू इट ठीक है रीड दिस ऑल्सो फ्रॉम योर बुक टेक सम अनदर एग्जाम्पल्स ठीक है आपको एग्जाम में ज़रूरी नहीं एल आर आर ट्वेंटी परसेंट का आए वो बहुत बार चेंज करके दे देता है कि सपोज़ एल आर आर टेन परसेंट है तो इसको ज्यूम करके आपको एक पूरा टेबल बनाना है तो जब टेन परसेंट होगा तो थाउजेंड का टेन परसेंट कैश रिजर्व में चला जाएगा बाकी नाइन्टी परसेंट लोन में आ जाएगा बस ये टेबल में इतना चेंज हो जाएगा ठीक है उसके बाद आपको क्या करोगे उसके बाद आप जितना भी आपने डिपोजिट किया होगा ठीक है यहाँ पे वन बाय टेन परसेंट कर लोगे ठीक है वो आ जाएगा मनी मल्टीप्लायर और फिर उस मनी मल्टीप्लायर को इनिशियल से मल्टीप्लाई कर लोगे टोटल डिपॉजिट आ जाएगा उसका टेन परसेंट कैशलेस ऑफ बाकी का जितना बच गया वो लोन में चला जाएगा ये सब पूरा प्रोसेस है सो प्लीज गो थ्रू इट रीड फ्रॉम द बुक आल्सो एंड आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट ऑल्सो इन द प्रीवियस वीडियोज इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग प्रीवियस वीडियोज Uh, regarding if any concept is not clear to you, then you can contact me anytime. Thank you so much.